राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में सोमवार को सरकार द्वारा 100 दिन में चलाए गए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत कॉलेज में एक बैठक की गई। बैठक में कॉलेज के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई ताकि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य नंदलाल शर्मा ने बताया कि कॉलेज में 100 दिन के चलाए गए डेवलपमेंट अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई ताकि कॉलेज का विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की उपस्थिति को 100% करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि उनके रिजल्ट में बाधा उत्पन्न न हो। वहीं उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक में ग्रिल लगवाई जाएगी, साथ ही कॉलेज परिसर के अन्य विकास के लिए अनेकों कार्य होंगे। आज राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में हमने जो है सरकार का जो 100 दिन का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का जो एजेंडा है उसमें राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में अगले 100 दिनों में क्या क्या कार्य होने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। हमने जो है ये टारगेट रखे हैं कि अगले 100 दिनों में हम जो है इंटरनल असेसमेंट बच्चों की जो आउटगोइंग क्लासेस है उसको 100% पूरी करेंगे। कोई भी बच्चा जो इंटरनल असेसमेंट की वजह से उसका रिजल्ट ना रुके ये कोशिश की जाएगी। दूसरा हमारा कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने का भी एजेंडा है अगले 100 दिनों में। उसमें सबसे पहले हम जो हमारा नया आर्ट्स ब्लॉक बना है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम ग्रिल लगाने की कोशिश करेंगे। सब जितनी भी खिड़कियां हैं जहां से बच्चे कई बार जो अंदर बाहर कूदते रहते हैं और न्यूसेंस क्रिएट होती है। तीसरा जो हमारा नया गर्ल्स हॉस्टल है उसके इर्द गिर्द जो है जगहें जो वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है और कीचड़ से भरी रहती हैं वहाँ पर हम अगले 100 दिनों में पेवर लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगले 100 दिनों में हम जो है जो बिजली जब बाधित होती है, बिजली जब चली जाती है और महाविद्यालय में कहीं जैसे परीक्षाएं चली होती है तो हमारे जो कई कमरे वो अंधेरे हो जाते हैं, तो हमने टारगेट रखा कि अगले जो 100 दिनों में एक जेनसेट 125 केवीए का वो खरीदा जाए और उससे जो है सारे जितने भी हमारे हॉस्टल भी हैं और जो आर्ट्स ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक है, उसको उनसे कनेक्ट करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो 125 केवीए का जेनसेट, इसके बारे में डिस्कशन हुई। और जो आगे हमारे प्रोग्राम है, एथलेटिक मीट है, हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, बच्चों का प्रोग्राम है, सृजन है, उसको भी अगले 100 दिनों में हम करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत अच्छा जो है काम हम जो है अगले 100 दिनों में करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि महाविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वो कॉलेज में ही उनको भरने की सुविधा दे दी जाएगी ताकि वो जो बाहर 100 रुपये या 50 रुपये का खर्चा करते हैं वो उनका बच जाए। इसके अलावा जैसे हमारी सफाई का अभियान है और हमारे प्लांटेशन के अभियान है वो भी हम अगले 100 दिनों में जारी रखेंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। हिमाचल के निजी स्कूल शिक्षा कम और आमदनी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर निजी स्कूलों को शिक्षा की दुकान कहें तो शायद कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि ये शिक्षा की दुकानें प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों से मोटी एडमिशन फीस चार्ज कर रही हैं। यही नहीं, आपको स्कूल के ड्रेस कहाँ से लेनी है और आपको किताबें कहाँ से मिलेंगी, ये कुछ ऐसे निर्देश भी एडमिशन के समय ही परिजनों को जारी कर दिए जाते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री ने सोलन के दौरे के दौरान घोषणा की है कि अब परिजनों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कानून बनाकर उन पर जल्द ही नकेल कसेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि एडमिशन, वर्दी, किताबों के नाम पर जो लूट हिमाचल में चल रही है उस पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार इसके लिए रेगुलेटरी बोर्ड का गठन करेगी और निजी स्कूल अपनी मनमानी न कर सके इसके लिए सख्त कदम बनाएगी। कि हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हिमाचल प्रदेश में हैं उनका जो है वो स्तर ऊंचा उठे, उसमें गुणात्मक शिक्षा मिले और उसमें जो है संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो। गरीब जनता को जो अपने बच्चे को कंपटीशन में लाने के लिए निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में जो है बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पर वर्दी के नाम पर या फीस के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर हर वर्ष जो है वो फीस बढ़ाई जाती है या पर्टिकुलर दुकान से जो है सामान लेने के लिए कहा जाता है। इन सब बातों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज़म बने। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेगुलेटरी कमीशन जो है बनाया गया है,
उसमें भी मैं विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी का मेंबर था जिसने ये कानून बनाया था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टीथ नहीं है, तो उसको भी हम जो है वो सशक्त बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो स्कूल हैं एलिमेंट्री या हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो बने, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन पर जो है वो कोई ना कोई जो है नकेल कसी जाए, ऐसा जो है मैकेनिज्म तैयार करेंगे। हम कानून बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इन सब चीज़ों पर जो है वो हम कोई जो है संज्ञान भी ले सकें और इन पर कोई ना कोई शिकंजा जो है वो कसा जा सके। आपको बता दें कि परिजन अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के खातिर स्कूल प्रशासन के आदेशों का विरोध नहीं कर पाते हैं और उनके सभी आदेशों की सिर झुकाकर अनुपालना करते हैं। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ITI मंडी में निरंतर कैंपस इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वहीं 21 फरवरी को भी हिटाची कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जानकारी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिकल ट्रेड के युवाओं का ही चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि 21 फरवरी को हिताची कंपनी द्वारा कैंप्स इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह ITI पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रेड के युवाओं का चयन किया जाएगा और चयनित युवाओं को 12,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित युवाओं को 2 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, उसके पश्चात उन्हें रेगुलर किया जाएगा। 21 फरवरी को ITI मंडी के कैंप्स में बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी जो कि हिताची के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हिताची कंपनी यहाँ कैंप्स इंटरव्यू के लिए आ रही है और कंपनी को ITI पास तथा 3 इयर्स जिन्होंने डिप्लोमा करके रखा हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, ITI पास इलेक्ट्रीशियन व डिप्लोमा होल्डर जो इलेक्ट्रिकल के मेल लोग हैं फीमेल लोग हैं वो यहाँ 21 तारीख को रोज़गार पाने के लिए आ सकते हैं। कंपनी एज ए ट्रेनी अपॉइंट करेगी, 2 साल के लिए फिक्स रहेगा 2 साल का जो ट्रेनिंग है और इस दौरान 12,000 कंपनी जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको देगी तथा जो अदर्स फैसिलिटीज है वो भी कंपनी देगी। आपको बता दें कि कैंप्स इंटरव्यू के दौरान कंपनी द्वारा 18 से 26 साल की आयु सीमा रखी गई है। मंडी से कैमरा पर्सन सन्नी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पर्यटन नगरी मनाली में आने वाले सैलानी अब बर्फ के बने घर में रहने का भी अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। ये पहल मनाली के 2 युवाओं ने की है जिन्होंने इग्लू तैयार किया है और सैलानी बर्फ के बने हुए घरों में रह सकते हैं। इग्लू में पर्यटकों को ठहरने के साथ साथ सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मनाली क्षेत्र में रहने वाले 2 युवा टशी व विकास ने मिलकर बर्फ का मकान तैयार किया है और वहां आने वाले पर्यटकों को ठहरने की सुविधा भी दी जा रही है। विकास ने बताया कि पहले विदेशों में ही पर्यटक ऐसे होटलों व घरों को रहने के लिए प्रयोग में लाते थे, मनाली के हामटा में दूसरी बार ऐसा प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी से पर्यटक यहां रहने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। सैलानियों की सुविधा के लिए उन्होंने 2 इग्लू तैयार किए हैं जिसमें रहने की सभी सुविधाएं सैलानियों को उपलब्ध हैं। ये इग्लू बनाने का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में मतलब कमर्शियल इस तरह जो चलाने का आइडिया पिछले साल से है, ये हमारा 2रा साल है। उससे पहले भी हम लोग कोई 8-10 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम लोग स्कीइंग के लिए जब पहाड़ों में जाते थे तो वहाँ पे रुकने की सुविधा नहीं होती तो टेंट्स वगैरह ले जाते थे। सर्दियों में बर्फ़ में टेंट में रुकना काफ़ी मुश्किल काम है, तो हमने दोस्तों की मदद से एक दिन इग्लू बनाया तो उसमें रुके, काफ़ी मज़ा है, अच्छा रहा, कंफर्टेबल था स्टे करना उसमें। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते रहे काफ़ी, उसके बाद फिर पिछले साल हमने कहा चलो इसको शुरू करते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने पसंद किया। वहीं यहां आए सैलानियों ने इग्लू की खूब तारीफ की और कहा कि उन्हें यहां सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पहली बात तो यहां पे जो वाटर ये आइस स्कीइंग है और इन्होंने इग्लू बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। बाहर इतनी सर्दी है लेकिन आप इग्लू के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव टेम्परेचर, काफ़ी कोजी एनवायरनमेंट है, तो मैं बिल्कुल इनको
10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा जो इग्लू की कंस्ट्रक्शन किया है इन्होंने। और रही से आप थ्रिलिंग चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा ट्रैक है यहाँ पे, और आगे आइस स्कीइंग का भी ऑप्शन है, तो ऑल ओवर बहुत एक्सपीरियंस रहा हमारा जी। तो सर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम इधर ऑलरेडी एक नाइट स्टे कर चुके हैं और मतलब काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। मतलब कि आप जो देखोगे अभी तक अपन ने केवल इसके बारे में पढ़ा ही था कि ये मतलब बस कहीं इग्लू होते हैं टुंडा प्रदेश, लेकिन हमने इधर बिल्कुल लाइव देखा और हम उसमें एक रात रुकने का एक्सपीरियंस भी किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मतलब आप और इसके आसपास का जो एरिया जो इन्होंने डेवलप किया है, मतलब ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल है, आप मतलब एक पूरा दिन इधर ईजिली निकाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं सैलानियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पर्यटक स्थल में लोगों को शौचालय की सुविधा मुहैया होनी चाहिए ताकि लोग इस सुंदर स्थान पर गंदगी न फैला सके, और साथ ही पार्किंग की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है, अभी यहाँ बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं हुई है, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 100 ही गाड़ियाँ आने की परमिशन है, यहाँ पे पार्किंग विकसित करी जानी चाहिए ताकि टूरिस्ट जब यहाँ आए तो उसको ट्रैफिक जाम और इस समस्याओं से जूझना ना पड़े, वो आराम से यहाँ आए और यहाँ से आगे भी जो हमटा पास है वहाँ तक जाने की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। यहाँ ये बहुत ही एक खूबसूरत स्थान है, यहाँ पे हम अपने आज फ्रेंड सर्कल के साथ आए हुए हैं और बर्फ़ में खेलते हुए हमको अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि मैं शिमला से हूँ तो वो भी बहुत एक सुंदर स्थान है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि रोड कंडीशन अच्छी हो जाए और वॉशरूम होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर सुविधाएं हों, डस्टबिन, टॉयलेट्स ये सब हों तो फिर इतना अच्छा स्थान है ये, यहाँ पे लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो उस बाद में थोड़े दिन बाद इस तरह हो जाता है कि बहुत ही गंदा प्लास्टिक और ये सब उस वहाँ हो जाता है। आपको बता दें कि इग्लू बर्फ से बना एक प्रकार का छोटा सा घर है जहां ठंड से बचा जा सकेगा। खास बात तो यह है कि इसमें बर्फ के सिवाय कोई सामग्री उपयोग में नहीं लाई जाती है। बाहर का तापमान माइनस में चल रहा होगा तब भी इग्लू के अंदर तापमान सामान्य रहता है। कनाडा के मध्य आर्कटिक और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे पूरे विश्व के ठंडे स्थलों में इसका प्रचार होगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या मंडियाली कलाकारों के नाम रही। चौथी सांस्कृतिक संध्या में प्रशासन ने सिर्फ मंडी जिला के ही कलाकारों को मौका दिया। कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिवरात्रि महोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने उनके साथ नाचन के विधायक विनोद कुमार, बल के विधायक इंदर सिंह गांधी और द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर सहित जिला भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। यह पहला मौका था जब प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की एक संध्या सिर्फ मंडी के ही कलाकारों के नाम रखी। इसमें मुख्य रूप से लीलाधर चौहान, लमन बैंड, गीता भारद्वाज और अरिन व अर्शप्रीत अरोड़ा ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इससे पहले जिले के अन्य स्थानों से आए कलाकारों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं चौथी संध्या में हिमाचल पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर ने भी देशभक्ति से प्रेरित दो कविताएं सुनाई। इस कविताओं का भी दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। रात 10 बजे तक पंडाल भरा हुआ नजर आया और दर्शक कार्यक्रम का पूरा मजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान अरिन व अर्शप्रीत अरोड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देकर उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचली कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर मिला है, जिसके लिए वे प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आप में हुनर है तो उसे लोगों को दिखाएं, न कि अपनी प्रतिभा को छिपा कर रखें। जी नमस्कार, मैं अरिन अरोड़ा मंडी से। आज हमने परफॉर्म किया, हमारी स्टार नाइट थी, बहुत मजा आया। इतना अच्छा क्राउड, इतनी अच्छी ऑडियंस, खूब एंजॉय किया, हम दोनों ने एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यंगस्टर्स को, जो आर्टिस्ट हैं, स्पेशली गर्ल्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो टैलेंट है वो सामने लेके आइए। उनके घर वालों को ये कहना चाहती हूँ कि उनके टैलेंट को और ज़्यादा आगे लेके आइए, उनको घर में मत बिठाइए। और लास्ट में मैं डीसी सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एडीसी सर का, और क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज आपके सामने परफॉर्म कर पाए हैं। चौथी सांस्कृतिक संध्या में लोगों ने खूब आनंद उठाया। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के चैनल।